इशरत अली साहब, फिरोज खान साहब, तमाम जो मजहबी नौजवानों को मेरा सलाम, मेरे प्रेस के भाइयों को सलाम और मीडिया के जरिए से सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का जलसे आम ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई है, इसका अहम मौजू क्या है? मुस्लिम बंदूक की, मुस्लिम बंदूक की आखिर है क्या? केजिया की हुकूमत दलित बंदूक स्कीम का ऐलान करती है और अब तक 5,000 करोड़ से और राशिद खान की जानिब से माइनॉरिटीज के लिए मुस्लिम बंधु के 10 लाख रुपए देने का डिमांड का यह जलसा मुनक्किद किया गया है। इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक उद्दीन शबान के सदर मुश्ताक मलिक साहब है, कोडन राम साहब है, फिरोज खान साहब है, दीगर हाजिर ने जलसा अस्सलाम वालेकुम पर बैठे हुए। यकीनी तौर पर हमारे राशिद खान और फिरोज खान साहब की मोहब्बत है जो यहाँ आने पर बहरहाल मैं मजबूर हुआ। बुनियादी बात यह है कि गुज़िश्ता 9 साल का तवील अरसा में देखा है कि सीएम साहब जो है ना, मिनिस्टर महमूद अली साहब से पूछते हैं कि आप खामोश क्यों हैं, कुछ तो बोला जाए, कुछ तो बोलो। जब ये वक्त ही है तो मसाइल क्या हल करेंगे? 2005 में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट आया, मैं उर्दू अकेडमी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वक्फ बोर्ड, ये तमाम महकमों को कहना चाहता हूँ केसीआर साहब से, जो मुसलमान बच्चे और जो यूनिवर्सिटी का दलित बच्चे जो अपने अपने कुर्बानी दिए, क्या उनके घरों पर गए आप देखे मालूम करें? नहीं, आप अपनी औलाद, अपनी बेटी, अपने दामादों को लेकर हुकूमत चला रहे, आप एक तानाशाही हुकूमत चला रहे जिसकी आपके सामने कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कांग्रेस की सीमा कहाँ है जो गरीबों को क्या पहुंचा है? एक लालच भरी को स्कीम दे के मुसलमानों को जालिम और मुसलमानों को इन्वर्टर करा गया, मुसलमानों को मार दिया गया। जब से कांग्रेस हुकूमत टीआरएस हुकूमत में मजीद ही तेलंगाना के वासी और अमित सिंह इसी पार्टी के हुआ। मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा ये आवाज बुलंद करो और भी मेरे तेलंगाना बचाओ, हम ये नारा दे रहे हैं तकरीबन एक महीना पहले से। एक महीना पहले ही मैंने फैसला किया है कि आने वाला 2-4 दिन में सैकड़ों ऑटो लेकर हम गांधी भवन जाने वाले हैं। भाजपा मैं और जाएंगे पब्लिक रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तारीफ है जो भी तारीफ कर रहे हैं। काम में यकीनी तौर पर इकतदार भी आएगी तो मैं आज मुसलमान बच्चे अपने फायदा भी उठाए, डॉक्टर इंजीनियर बने, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जब से वो टीआरएस हुकूमत बनी है मुसलमानों को दबा दिया गया, वादे झूठे करके और उन लोगों को धोखा दे के। मैं पूछना चाहता हूँ कि केसीआर हुकूमत से आप कौन 2018 में क्या आ सकते हैं? नहीं आई है तो आप 2018 में सिर्फ हुकूमत कांग्रेस आने वाली है। 2-4 दिन में सैकड़ों ऑटो लेकर हम गांधी भवन जाने वाले हैं। भाजपा मैं और जाएंगे पब्लिक रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तारीफ है जो भी तारीफ कर रहे हैं। काम में यकीनी तौर पर इकतदार भी आएगी तो मैं आज पहला एनकाउंटर मुसलमानों का किया गया। केसीआर मुसलमानों का खूनी है, आप लोग जागो और केसीआर को समझो। आज 10 साल में मुसलमानों के लिए एक से दो ऐसा बात करते हैं कि हम 20 ही भाइयों को 1-1 लाख रुपए देंगे उनके काम को देखकर।